तो मम्मी अभी मेरे लिए सत्तू बना रही है। कहाँ गया? हाँ, तो आप लोगों को पता होगा ही क्या होता है सत्तू। तो ये सत्तू जो है वो चने से बनता है। चने का फ्राई है ना, उनको उबाल के बहुत मेहनत लगता है बनाने में। चने को उबाल के बहुत मेहनत लगता है बनाने में, मम्मी ने बोला। तो आज फादर्स डे है, मेरे फादर तो गए हैं काम पे, तो आएंगे शाम तक। तब तक मैं उनके लिए सोचा है, मैंने आज मैं कुछ कुछ बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने आज क्या क्या बनाया पप्पा के लिए। तो मम्मी मदद करेगी ना मुझे? जरूर। ले सत्तू, ये है मेरा ग्लास, तो अब मैं ये पीऊंगी। वाह, नींबू डाल के कितना मस्त लगता है पीने में, है ना? तो अब मैं चाहूंगी मम्मी के साथ कुछ कुछ लेना है, ब्रोकली वगैरह। मम्मी का डाइट प्लान करके दिया है ना मैंने, तो मम्मी को थोड़ा हेल्दी खाना खाना है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी वो लेने। फिर मैंने सोचा है कि मैं शाम को ही केक लेके आऊँ। हाँ, तो केक मैं शाम को लेके आ जाऊँगी और फिर पप्पा आने से पहले ही ले आऊँगी, कि फिर बाद में पप्पा बोलेंगे कुछ ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ का, तो ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को केक खाना है और पप्पा के लिए भी, और कुछ बनाऊँगी भी मैं, तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ रसगुल्ला, नहीं सॉरी, हाँ दही वड़ा, दही वड़ा, हाँ मेरे को तो पसंद है, और गुलाब जामुन भी। हाँ, तो आज हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन और दही वड़ा। शायद मैं आप लोग को आगे बताऊँगी, चेंज हो सकता है प्लान, तो आगे बताती हूँ क्या बनाएंगे आज। तो अभी हम लोग केक ऑर्डर करके आ गए हैं और मैंने गिफ्ट्स भी लेके आ गई हूँ। मैं गुलाब जामुन बनाएंगे आज, तो चलो थोड़े टाइम में मैं फ्रेश होके फटाफट लंच करके फिर आप लोग से बातें करती हूँ। ओके, तो आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊँगी। तो मम्मी यहाँ कुछ कर रही है, क्या कर रही थी? दही वड़ा का। अच्छा, ओके। दही वड़ा का जो पीठ रहता है उसको हाँ, तो उसको वो फेंट रही है मम्मी, फेंट के रख देगी। फिर हम लोग गुलाब जामुन बनाएंगे, ये वाला गिट्स का। मुझे घर बनाया हुआ गुलाब जामुन ही पसंद है, मुझे बाहर का बहुत ज्यादा मीठा लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब तक मम्मी ये बना रही है तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बना लूँ, चाय पीने का मन कर रहा है ना? चाय पिएगी मम्मी? बना। हाँ, मम्मी चाय नहीं पीती है, मम्मी ग्रीन टी पीती है। तो मैं चाय बनाती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। और हाँ, 4 बजे मुझे चाय लगता है, तो अभी 4 बजने वाला है। आप लोगों को चाय पसंद है तो मुझे बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। अदिति है इसके लिए। यस, अदिति। तो पहले ये पानी में से मैं थोड़ा सा पानी बॉईल करके मम्मी के लिए निकाल दूंगी ग्रिल टी के लिए। तब तक मम्मी ने ये आटा निकाल के रखा है, मतलब ये गेट्स है, तो ये फिर अभी वो करेंगे हम लोग। और मिल्क, और ये है मम्मी। तो ये बन गया मम्मी का ग्रीन टी, ये ले। तो अब मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती, तो इससे एकदम अच्छे से उबाल लेंगे हम। जब तक ये एकदम वो ब्राउन कलर जो नहीं आ जाता है ना, वो ब्राउन कलर आ जाए तब तक। ओके, तो यहाँ हमने चालू कर दिया है बनाना, मतलब मोस्टली मम्मी बनाने वाली है, मैं सिर्फ वो गोल गोल करते हैं ना वो कर दूंगी, तो वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे कितना चीनी डालना है उसका अंदाज़ा नहीं है, तो मम्मी को है अंदाज़ा, तो मम्मी वो कर देगी। और ना इसमें देखो ऐसा दूध भी डालते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो दूध डाल के फिर उसे एकदम ऐसा सौंधने का। तो ये चाय अभी इतना उबल गया है, अब इसमें मैं डालूंगी दूध जो यहाँ है। आओ, झटका लग गया।
कितने डालेगा मम्मी? डालना पता है मुझे वैसे तो, ये इससे करछुल से मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, दूध बहुत गर्म है क्योंकि। 3, 4, 5 बस ना, और डाल देते एक। चलो तो अब इसे हम लोग अच्छे से उबलने देंगे। इसमें अब मैं चीनी डालूंगी, तो चीनी डालते हैं पहले। चलो अभी गोली बनाते हैं, गोली ऐसा मम्मी ने बनाया है, तो मैं आपको बताती हूँ और बनाएगा। तो ये ऐसे ले लेगा, ये घर का जो गुलाब जामुन होता है वो बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि हम लोग हमारे हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं, और ज़्यादा मीठा मुझे नहीं पसंद, ज़्यादा मीठा खाना भी नहीं चाहिए वैसे तो। देखा बराबर नहीं हो रहा, फट रहा है, खराब हो गया, दूसरा ले रहा इतना। ठीक है देख, ओके ठीक है। भाई जी को बर्थडे में रसगुल्ला बनाओ। तो ये बन गया है चाय, छान ले भी तुम कप में, करते ये निकाल दे। तो अभी हम लोग ये इसमें डालेंगे, गैस कम है तो इसमें ऐसा डालेंगे। तो ये पहले फ्राई करेंगे, ये फ्राई हो जाएगा ना अच्छे से, तो इसे हम डालेंगे चाशनी में ना। अभी चाशनी इतना बस क्यों और डालू, सारा डाल दू फास्ट कर रहे हैं। यस अभी फास्ट, ओके इसको दिखा मुझे। थोड़े होने दो, हिलाओ देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है। हाँ तो ये जब तक अभी ऐसा कलर नहीं हो जाता ना, तब तक इसे ऐसे ही तलते रहना है। और दूसरे ही और यहाँ चाशनी मम्मी ने रखा है, चीनी डाल के इसमें, और इलायची, छोटी इलायची डाल के इसमें, ओके। तो आज मैंने बनाया गुलाब जामुन मम्मी ने ही बनाया है पूरा, मैंने बस मदद किया है। ज़्यादा पसंद है तो सीखना ही पड़ेगा बनाने के लिए भाई, पर मम्मी है तब तक मैं क्यों बनाऊँ, राइट राइट। सिर्फ सास ससुराल में बना के खिलाना सास ससुर को, ओके। तो ये चाशनी में हमने डाल दिया है अभी इसे, तो अभी ये ना थोड़े टाइम बाद है ना पूरा सोख लेगा, तो वो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम खाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी, जब मैं अपने पापा को दूंगी तब। तो हो गया सब बना के, अभी इसमें खाली मेदू वड़ा जो बना, मेदू वड़ा नहीं बनाया हमने, क्या बनाया, क्या बोलते इसको, दही वड़ा, दही वड़ा सॉरी। तो दही वड़ा जो बनाया है ना, ये देखो ये ना इसमें ऐसा पानी में रख दिया है हमने, तो अभी ये जब ये फूल जाएगा ना, तब इसमें हम दही डाल के, फिर बाद में मिर्ची पाउडर थोड़ा ऐसा चाट मसाला डाल के फिर वो बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी सब। और ये थोड़ा सा बच गया था, तो मम्मी ने बोला मेदू वड़ा खाएगी, तो भाई साउथ इंडियन डिश तो मेरा फेवरेट है, तो फिर मैंने बोला हाँ खाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है खाते हैं वो। और ये है हमारा गुलाब जामुन, ठीक है। तो अब ये सारा बन चुका है, शाम को हम जाएंगे केक लेने, और वो लेके आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी केक सब, और पापा भी शायद शाम तक आ ही जाएंगे। चलो तो चलो केक काटते ले। तो ये है मेरा फेवरेट केक, रेड वेलवेट चीज केक, मैंने अज्यूम कर लिया पापा को पसंद आएगा ये केक, तो आप भी हम खाते हैं, काटते हैं, मैं पापा को दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या लगा पापा केक? एकदम मस्त है। अच्छा है? हाँ।
आपको पसंद है कि नहीं रेड वेलवेट पर, मैं मेरे पसंद से लाई हूँ। अच्छा है, हाँ ठीक है। हाँ मम्मी भी घुस गई वीडियो में। अच्छा प्राइस टैग नहीं निकाला हाँ कुछ भी, फादर्स डे मम्मी जामुन और दही बड़ा। तो पापा खाओ, बताओ कैसा लगा। क्या टेस्टी, क्या खाया है? गुलाब जामुन। अच्छा कैसा है, मीठा है ज्यादा? मीठा एकदम, आधा आधा रखा, आधा आधा। अदिति का फेवरेट है, मीठा कम है इसलिए अदिति को पसंद है, घर का मीठा कम रहता है। मीठा कम है, दही बड़ा, दही वड़ा तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट। मम्मी मेदू वड़ा का किया घर रखा लेते काट के दी मोती को खाओ से लसन से खिवल छत में नहीं आप खा रहे पापा खा रहे, पापा को खाने दो मैं बाद में खाऊंगी। नमक कम है, नमक डाल दो कम है नमक बता। आपको पापा को कम ही लगता है नमक ऐसे तो? पापा ज्यादा कम है पर ओके। पापा तो कैसा लगा आपको सब कुछ आज? एकदम बहुत अच्छा, पक्का मजा आ गया। ऐसे ही कैमरा है इसलिए तो नहीं बोल रहा ना तो ठीक है ओके, थैंक यू, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। ओके सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और थैंक यू सो मच 2K सब्सक्राइबर्स के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ओके सो कीप सपोर्टिंग, बाय।